सोना तावड़ू सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रोहतास खटान अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए। इस वक्त खुद खटाना साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका चौथा चुनाव है, तीन चुनाव आपने मजबूती से लड़े लेकिन जीत नहीं मिल पाई, लेकिन चौथे चुनाव में क्या उम्मीद है, कितना जन समर्थन आपको गाँवों में मिल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया जिससे बोलते हैं, जन समर्थन अपने साथ है और किसी के लिए कुछ नहीं है। इस बार सोना में जितनी भी पार्टी है सबको सफाया है, एक तरफी जीत है। आप एक तरफी जीत का दावा कर रहे हैं, मुद्दे क्या क्या, किन किन मुद्दों के बीच को लेकर? ग्रामीण कमी नहीं है कोई हमारे यहाँ ना, 10 साल में कोई काम नहीं होगा, मुद्दे बहुत इकट्ठे हो रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं? इतने गड्ढे खोद के क्या क्या मुद्दे बताऊं? क्या क्या गिने नहीं जाते? सड़कें टूटी पड़ी है, शिक्षा चिकित्सा, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, रोड पे गाड़ी नहीं चल सकती, कुछ है ही नहीं, क्या बता रहे। 10 साल से बीजेपी के विधायक थे और जो मौजूदा विधायक वो तो मंत्री भी थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया? पूछ लो जनता खड़ी है, करे हो कुछ विधायक ने काम? मैं क्या बताऊँ, जनता बता देगी। इस बार लग रहा है इस सीट पर हाथ का निशान है, वो कामयाब होगा जीतने में, आप जीतेंगे? बिल्कुल 100% होगा। जो चुनाव आपने पहले लड़े थे उन चुनावों के मुकाबले ये चुनाव कितना अलग लग रहा है कांग्रेस की टिकट पर? मुझे सबसे आसान ये चुनाव लग रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार तेजपाल तंवर, उनसे कैसा मुकाबला है या निर्दलीय उम्मीदवार से आपका मुकाबला? किसी से है ही नहीं मुकाबला, किससे नहीं, कौन है मुकाबले में? बीजेपी की वोट है भाई यहाँ? बीजेपी ने कोई काम करा है? फिर मुझे पूछने के जरूरत, जनता तेरे साथ के लिए तो पूछ ले। तावड़ू में कहते हैं कि चुनाव सोना वर्षित तावड़ू हो जाता है, कई बार कुछ धार्मिक चीजें देखने को मिल जाती है, वहाँ का मेव कैंडिडेट होता है, तो इस तरीके की बातें हैं इस बारे में? नहीं, 36 बिरादरी एक होकर चुनाव लड़ रही है और हमारे यहाँ कोई ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं है। बीजेपी ने करी है, बहुत कोशिश करी है और कामयाब भी हुई है भाईचारा खत्म करने में, जाट से अहीर लड़ा दिए, अहीर से गुजर लड़ा दिए, यही काम करा उन्होंने 10 साल और क्या करा। सर, अगर गुरुग्राम जिले की बात करें, मेवात जिले की बात करें, मेवात इलाके की बात करें, इस पूरे इलाके में क्या माहौल है कांग्रेस या बीजेपी में? यहाँ से और राजस्थान बॉर्डर तक चले जाओ, कांग्रेस ही कांग्रेस। खटाना साहब का कहना है कि जो कांग्रेस की लहर इस इलाके में चल रही है और खटाना साहब कह रहे हैं कि इस बार उनकी जीत पक्की होगी। कैमरामैन जस्टी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक सोना।